Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Hey, welcome back to Mama's Kitchen. तो करते हैं मूंगलेट बनाने की तैयारी। उसके लिए हमने 2 कप मूंग धुली दाल ली है और उसमें 4 चम्मच हमने उड़द धुली दाल डाली है। अब इस दाल को अच्छे से वॉश करके हम इसे भिगो देंगे कम से कम 5-6 घंटे के लिए। दाल हमने अच्छे से धो ली है और अब हम इसे भिगो कर रख देंगे। बस अब हम इसे 4 से 5 घंटे भिगो के ढक के रख देंगे। सो गाइस, हमारी दाल 4-5 घंटे भीगने के बाद कुछ ऐसी हो गई है और अब हम इसे करेंगे पीसने की तैयारी। सो पीसने के लिए हम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं यूज करेंगे। सिंपल दाल को ऐसे निकाल कर या आपके पास छाननी हो तो उसे छान कर भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल ऐसे सूखी सूखी दाल निकाल कर पीसेंगे। जितना हो सके कम पानी हो हमारी दाल में। पीसते टाइम हमने अदरक के 2 टुकड़े डाले हैं इसमें और साथ में हमने डाली है हरी मिर्च। इसको बार बार हिला देना ताकि जो नीचे की दाल हो वो ऊपर आ जाए, जो कोई इधर उधर चिपकी होती है ग्राइंडर में वो सब एक साथ इकट्ठी हो जाए। सो फाइनली हमारी दाल पिस के हो चुकी है रेडी। अब ये पिसी हुई दाल जो हमने इसमें ट्रांसफर कर ली है, अब इसको हम अच्छे से फेटेंगे 5 से 7 मिनट। फेटते फेटते थोड़ी देर में इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये हल्की हो जाएगी। अभी फेटने के बाद दिखाती हूँ मैं इसका कैसे कलर होगा। बैटर का कलर चेंज हो गया है और देखो कितना हल्का हो गया ये बैटर। इस स्टेज पे आकर इसमें हम थोड़ी सी हींग मिलाएंगे, पाउडर वाली हींग है। अगर आपके पास दानेदार हींग हो तो आप उसको 1 चम्मच पानी में घोल कर इसमें मिला देना। हींग से इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। मूंगलेट में वेजिटेबल्स डालने के लिए हमने थोड़ा सा पनीर ग्रेट किया है और जूलियंस में हमने बीट रूट और कैरेट को कट किया है और हमने ली है थोड़ी सी कॉर्न्स और तड़के जैसे प्याज कटते हैं वैसे हमने लिए हैं अनियंस, शिमला मिर्च और थोड़ी सी ग्रीन चिली। और ये सारी वेजिटेबल्स अब हमारे मूंगलेट में जाएंगी। सो गाइस, मम्मा का आया है नया तवा और मम्मी बहुत खुश है इस तवे को लेकर। अब मम्मा ने इस पे थोड़ा सा ना घी लगाया है। क्यों लगाया मम्मा? तवे को ऑयलिंग करनी है अच्छे से, 1-2 बार ऐसे डाल के ना बेटा पोंछ देना है, फिर डालना है, फिर पोंछ देना है। 2-3 बार इसको ऑयल से ऐसे कर लेंगे तो ये अच्छे से तवा तैयार हो जाएगा बनाने के लिए। डोसा बनाओ, चीला बनाओ, उपमा बनाओ, कुछ भी बनाओ। ओके, ये बैटर जो है देखिए रेस्ट के लिए रखा था ना तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अगर आपने ये सारा अभी यूज करना है तो सब में पानी मिला लो, अदरवाइज जितना बैटर आपको यूज करना है आप अपना एक बाउल में उतना लेके उस बैटर में पानी मिला देते हैं। अब मान लो मैंने जैसे एक ही बनाना है तो मैंने इतना बैटर लिया और इसी में ही मैं सारे मसाले मिलाऊंगी जो मुझे डालने हैं। जैसे मैंने डाली है काली मिर्च, थोड़ा सा डाला है मैंने चाट मसाला, थोड़ी सी डाली है मैंने चिली फ्लेक्स, नमक। अगर आप चाहें तो कलर के हल्दी मिला सकते हैं कलर के लिए।
इसमें डालेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ा सा प्याज, कॉर्न्स, ग्रीन चिल्ली, हल्का सा पनीर, हल्का सा चुकंदर बीच में, और ये गाजर। इसको अच्छे से फेंट लेंगे, और ज्यादा नहीं मिलाना, ज्यादा मिलाओगे ये मटेरियल तो ये जो है ना चीला फट जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा ही डालना होता है। अभी आपको गाढ़ा लग रहा है तो इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, लेकिन बाकी बैटर को नहीं छेड़ना, जितना बैटर बनाना है उसी में ही मिलाना है। और बाकी बैटर में ना कोई मसाला मिलाना है और ना ही इसमें नमक डालना है, अदरवाइज ये पानी छोड़ जाएगा और सब्जियां भी इसमें है ना सारी पानी छोड़ जाएंगी नमक के साथ। इसलिए जितना जितना बनाना है उतना उतना बैटर लेते जाओ और मसाला मिलाते जाओ। अभी बिल्कुल सही है, इस तरह का चाहिए हमें। अब हम करते हैं तवे गरम। हमारे तवे की ऑयलिंग हो चुकी है और अब हमारा तवा गरम भी अच्छे से हो गया है, तो चलिए करते हैं मूंगलेट बनाने की फुल ऑन तैयारी। तवा गरम हो गया है, इस पे हम थोड़ा सा तेल या घी आप जो भी चाहें डाल सकते हैं, मैं लेकिन घी डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से टिश्यू पेपर से फिर पोंछ लेना है, पोंछ लेना इन द सेंस कि ये सारा फैल जाएगा और जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। ऑयलिंग करने के बाद भी करना है ये? बिल्कुल, जब भी चीला बनाना है ये हर बार करना ही होगा। अब हम ये बैटर इसमें डाल देंगे और इसको ऐसे धीरे धीरे फैलाएंगे, और ये थोड़ा सा मोटा ही रखना होता है, इसे डोसे की तरह नहीं फैलाना, पतला पतला। जितना बड़ा चाहे आप कर सकते हैं इसको, पर मेरे हिसाब से उतना ही फैलाएं जितना आप संभाल सकें। खुद से इसको पलटते हुए दिक्कत होती है तो आप छोटे भी बना सकते हैं। अब ऊपर से हम डालेंगे बीट रूट के जूलियंस कटे हुए, और साथ में थोड़ा सा हम कैरेट भी डालेंगे। इसको हल्का हल्का प्रेस कर देंगे और जाएगी ऊपर से ये हमारी जिंजर, हमने जूलियंस में काटी हुई है और विनेगर में भिगो रखी है हमने थोड़ी सी, और ये हम ऊपर से डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट हम डालते हैं, और कई जगह पे और भी हमने खाए हैं मूंगलेट तो वो डले होते हैं। और गया है थोड़ा सा पनीर, पनीर को हमने अच्छे से ग्रेट कर रखा है। हम इसे ढक देंगे कितनी देर के लिए मामा? 1 से 1.5 मिनट के लिए। 1 से 1.5 मिनट हो गया है, देखिए ये तवे से छूट गया है। अब इसको धीरे से उठा के हम इसे फ्लिप कर देंगे। वापसी से इसको फिर ढक देंगे 1-1.5 मिनट के लिए। अब तवे के ऊपर ही हम इसमें ऐसे कट से लगा देंगे, ज्यादा नीचे तक नहीं लगाने कि बिल्कुल ये अलग हो जाए, इस तरह से लगाने हैं हमने, ताकि हम जो इसमें मक्खन डालेंगे ना वो अच्छे से बीच में चला जाए और बीच का हिस्सा जो भी है चीले का वो सिक जाए, कच्चापन ना रहे। तो डालेंगे हम ये बटर, ये अमूल बटर है गाइस, इसको अच्छे से ऐसे डाल दो और ये सिक जाएगा। अब हम इसको वापस से पलट देंगे क्रिस्पी होने के लिए। इसको लो टू मीडियम ही सेकना है, गैस बहुत तेज नहीं करनी है। अब हम पिज्जा कटर की हेल्प से ही इसको पीसेस में कट कर लेंगे,
और ये इजीली कट हो जाएगा क्योंकि पहले हम हाफ कट लगा चुके हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना यम्मी बनता है ना और इतना फुलफिलिंग होता है बहुत ज्यादा, और इसमें सारी वेजिटेबल्स भी हैं इसलिए बहुत ही हेल्थी हो जाता है। टेस्टी यम्मी हेल्दी मूंगलेट बनके हो गया है तैयार।